गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग देख रहे थे इस इन 5 डायनेस्टीज़ का झारखंड की हिस्ट्री पे क्या असर रहा है। क्लियर। हम लोग लास्ट में देखिए लोधी डायनेस्टी का वैसे झारखंड पे कोई असर नहीं रहा, लेकिन उसी के समकालीन कुछ क्षेत्रीय राजवंश पनप रहे थे, इमर्ज हुए। क्षेत्रीय राजवंश कहने का मतलब है कुछ मेजर डायनेस्टी थे इंडिया में, लेकिन जो मेजर डायनेस्टी थे वे अपना जो वो जिस रीज़न तक एक्सपेंड नहीं कर पाए, वहाँ कुछ छोटे छोटे राजवंश पन पे इमर्ज हुए और वो इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी मेजर किंगडम में शामिल नहीं हुए और वो इंडिपेंडेंटली रह रहे थे। तो ये छोटे छोटे राजवंश जो इमर्ज हुए, उन राजवंशों में जिस राजवंश का झारखंड की हिस्ट्री से रिलेशन है, उन राजवंशों के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे। हम लोग कह सकते हैं प्रोविंशियल डायनेस्टी, इंडिपेंडेंट किंगडम या फिर रीजनल किंगडम। ऐसे तो दिल्ली सल्तनत के समकालीन बहुत से रीजनल किंगडम हुए, लेकिन यहाँ हम लोग बस उसी रीजनल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे जिसका असर झारखंड पर हुआ। क्लियर। तो हम लोग पहला देखते हैं गजपति किंगडम। इसका ये मेनली उड़ीसा, हम लोग कहते हैं उड़ीसा का गजपति किंगडम। नाउ इसको सूर्यवंशी डायनेस्टी भी कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लियर। इसका समय काल रहा 1434 टू 1541। तो आप उन 5 डायनेस्टीज़ को देखिए, 5 डायनेस्टीज़ का समय काल और ये समय काल देखिए, तो आपको पता चलेगा ये किसके कंटेम्प्रेरी है। अगर लोधी डायनेस्टी को देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं उसका समय काल है 1451 टू 1526। तो 1451 एंड ये है 1434, तो हम लोग कह सकते हैं ये कंटेम्प्रेरी, लोधी डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी ये डायनेस्टी था, ये किंगडम था। क्लियर। यहाँ गजपति किंगडम, गजपति का मीनिंग होता है किंग विथ एन आर्मी ऑफ एलिफेंट्स। तो इसका मीनिंग का हम लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है, इसलिए हम लोग फर्दर मूव करते हैं। नाउ ये जो डायनेस्टी था ये कंटेम्प्रेरी टू लोधी डायनेस्टी, कंटेम्प्रेरी टू क्लियर। इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे कपिलेंद्र गजपति, फाउंडर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ झारखंड हिस्ट्री से, फाउंडर इसके थे कपिलेंद्र गजपति। क्लियर। कपिलेंद्र गजपति का रूलिंग टाइम है 1434 टू 1466 ध्यान रहे ये एडी है। क्लियर। कहीं कहीं आपको 1435 टू 1470 भी मिलेगा, बट दिस डजंट मैटर। क्लियर। ये कपिलेंद्र गजपति उड़ीसा के अंतिम गंग राजा का मंत्री था। इन्होंने उड़ीसा में एक नए राजवंश गजपति वंश की स्थापना की, कपिलेंद्र गजपति। तो ये नाम हमें याद रखना है, कपिलेंद्र गजपति। इसका रूलिंग टाइम है 1434 टू 1466 AD। नाउ कपिलेंद्र गजपति का झारखंड की हिस्ट्री से रिलेशन देखिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कपिलेंद्र गजपति कैप्चर्ड
संथाल परगना, हजारीबाग एंड मोस्ट रीजन ऑफ दी नागवंशी, जहाँ नागवंशी रूल कर रहे थे, छोटा नागपुर खास, उसका मैक्सिमम पार्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था. एंड मोस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर खास एंड मोस्ट पार्ट ऑफ छोटा नागपुर खास. हम लोग पहले ही देख लिए जब रीजनल किंगडम देख रहे थे, हम लोग क्षेत्रीय राजवंश देख रहे थे, वहाँ हम लोग देखे छोटा नागपुर खास पर कौन रूल कर रहे थे, देन नागवंशी रूलर थे, रूल्ड बाय छोटा नागपुर खास, रूल्ड बाय, हम लोग मैप में इसको स्टडी किए हैं, छोटा नागपुर खास कहाँ है, रूल्ड बाय नागवंशी रूलर. क्लियर? नाउ गजपति किंगडम के समय कौन से नागवंशी रूलर रूल कर रहे थे? हम लोग कह रहे हैं ये कंटेम्प्रेरी टू लोधी डायनेस्टी है, और हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे लोधी डायनेस्टी में कौन कौन से नागवंशी रूलर रूल कर रहे थे, तो प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, ये तीन नाम हम लोग जब नाग डायनेस्टी पढ़ रहे थे वहाँ भी इस बात को लिखे हैं कि कंटेम्प्रेरी टू लोधी डायनेस्टी कौन कौन से नागवंशी रूलर थे, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एंड विराटकर्ण. तो इस समय नागवंशी रूलर कौन थे? नागवंशी रूलर, ये तीसरी बार हम लोग ये नाम लिख रहे हैं. क्लियर? तो कोई भी टॉपिक में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्लियर आंसर करेंगे. प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एंड विराटकर्ण. प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एंड विराटकर्ण. क्लियर? तो हम लोग गजपति डायनेस्टी फ्रॉम द नाम से ही आप जान रहे होंगे कि ये मेडाइवल हिंदू डायनेस्टी था, मेडाइवल पीरियड का ये हिंदू रीजनल डायनेस्टी था. क्लियर? तो इसका कहाँ से कहाँ था, रीजन कहाँ से कहाँ तक था, यही हम लोग लिखते हैं ये हिंदू डायनेस्टी. इसका रीज़न या फिर इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक था, तो हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट डे का उड़ीसा एंड नॉर्दर्न कोस्टल आंध्रा, मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे उड़ीसा एंड नॉर्दर्न कोस्टल आंध्रा. क्लियर? तो ये इतना ही है. नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट रीजनल किंगडम देखते हैं, फारूकी किंगडम. नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट रीजनल किंगडम है, दूसरा हो गया आपका फारूकी. क्लियर? या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, फारूकी. फारूकी किंगडम ये भी रीजनल किंगडम है. इस किंगडम के फाउंडर थे मलिक अहमद, या फिर इसको मलिक राजा भी कहा जाता था. मलिक अहमद इसके फाउंडर. अहमद ऑल्सो नोन एज मलिक क्लियर, ये हो गए फाउंडर फारूकी किंगडम के. क्लियर? नाउ फारूकी डायनेस्टी वॉज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ खानदेश
सल्तनत। इसका अगर हम लोग टाइम पीरियड का इसका टाइम पीरियड कहा जाए तो ये अबाउट 1382 टू 1601 तक, 1382 से 1601 AD। फारूकी किंगडम। ना हम लोगों को मेन जो बात याद रखना है झारखंड हिस्ट्री के टर्म में, वो हमें नाम याद रखना है आदिल शाह द्वितीय। ये नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस किंगडम से, क्लियर। तो फारूकी डायनेस्टी वॉज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द खानदेश सल्तनत। हम लोग लिख सकते हैं इसको डायनेस्टी ऑफ खान देश सल्तनत, क्लियर। कहाँ से कब से कब तक, फ्रॉम इट्स, इसका आरंभ होता है 1382 से, और इसका जब मुगल के मुगल एम्परर अकबर जब तक इस राज्य को अपने में मिला नहीं लेते हैं तब तक ये इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह रहा, ये फारूकी किंगडम। तो हम लोग कह सकते हैं रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द खान देश सल्तनत फ्रॉम इट्स, तो समय काल हम लोग लिखा हुआ 1382 1600 में मुगल एम्परर अकबर इसको अपने में अपने राज्य में मिला लेते हैं, क्लियर। तो इसके फाउंडर मलिक अहमद है ना, मलिक अहमद वॉज, जब मलिक अहमद को मजबूर किया गया डेक्कन से भागने के लिए, तो मलिक अहमद ने जो इसके फाउंडर थे फारूकी किंगडम के, उन्होंने थानलेर में जो कि ताप्ती रिवर के तट पर था, थानलेर में अपना किंगडम बसाया, ही एस्टैब्लिश्ड इन थानलेर। कब, जब उनको दक्कन से भागने के लिए मजबूर किया गया, वेन हम लोग लिख सकते हैं वेन मलिक अहमद वॉज कंपेल्ड, वेन मलिक अहमद वॉज कंपेल्ड टू, जब वो उनको मजबूर किया गया कि वो वहाँ से भाग जाए, वॉज कंपेल्ड टू फ्ली फ्रॉम ये बस हमें स्टोरी समझने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ झारखंड हिस्ट्री से वो हम लोग अभी देखेंगे, क्लियर। ही एस्टैब्लिश्ड इन थानलेर, ही एस्टैब्लिश्ड इन थानलेर ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर, क्लियर। वो थालेर में स्टैब्लिश हुए, क्लियर। ये हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट डे का महाराष्ट्र का धुले डिस्ट्रिक्ट है, इन प्रेजेंट धुले डिस्ट्रिक्ट थालेर जो है प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का धुले डिस्ट्रिक्ट है, क्लियर। नाउ ही कंकर्ड द रीज़न, जो थालेर के आसपास के रीज़न को उन्होंने जीता मलिक अहमद ने, और खानदेश की स्थापना की, क्लियर। ही कंकर्ड द रीज़न अराउंड थालेर, ही कंकर्ड द रीज़न अराउंड खानदेश, ही कंकर्ड द रीजन अराउंड थानलेर, थालेर के आसपास का रीजन
के रीजन को जीता, ही कंकर्ड द रीजन अराउंड थानलिन विच लेटर बिकम बिकेम विच लेटर बिकेम वॉट इज नोन एज खान देश. क्लियर? जो बाद में खानदेश के रूप में उभरा. द खानदेश का मतलब होता है द लैंड ऑफ खान्स. यही हम लोग लिख सकते हैं खानदेश का मतलब द लैंड ऑफ खान्स. क्लियर? थर्टीन एटी टू में हम लोग पहले लिख चुके हैं कि 1382 में इस फारूकी किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. तो ही स्टार्टेड रूलिंग इंडिपेंडेंटली बाय 1382 मलिक अहमद ही स्टार्टेड रूलिंग independently. Clear? Now, the most, जो अब हमारे लिए important है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. The most famous ruler of the Faruqi dynasty कौन थे? आदिल शाह सेकेंड. The most फेमस. इनके बाद और मलिक अहमद के बाद और भी इन्होंने तो 1382 में ये फारूकी किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया. ये फारूकी किंगडम स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा था. लेकिन इसके एक बहुत ही फेमस रूलर आए आदिल शाह द्वितीय. द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ फारूकी डायनेस्टी कौन थे? आदिल शाह सेकेंड, आदिल शाह द्वितीय, जिसका यहाँ हम लोग जिक्र करेंगे झारखंड की हिस्ट्री में. ना ये आदिल शाह द्वितीय के बारे में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं. ये आदिल शाह द्वितीय आफ्टर ओवर पावरिंग, आदिल शाह द्वितीय के बारे में बात हो रही है अब. इसके बारे में बात हो रही है आफ्टर ओवर पावरिंग आदिल शाह सेकेंड आफ्टर ओवर पावरिंग गोंड राजा ऑफ गोंडवाना एंड मंडला ही कैरिड हिज कंक्वेस्ट टू झारखंड. ही कैरिड his conquest to Jharkhand. Clear? And assumed the title of उन्होंने अज्यूम किया शाह है झारखंड.
या फिर आपके ऑप्शन में जो भी रहे, झारखंड का सुल्तान, झारखंडी सुल्तान, मोस्ट पॉपुलरली झारखंड के हिस्ट्री में यही मिलेगा, झारखंडी सुल्तान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इस टॉपिक से, एक ही क्वेश्चन बनता है, बनता तो है और भी क्वेश्चन, लेकिन एक अक्स हमेशा इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन देखा गया है, झारखंडी सुल्तान किस रूलर को कहा जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को, झारखंडी सुल्तान। झारखंडी सुल्तान, इसका मीनिंग क्या होता है? जंगल का राजा। झारखंडी सुल्तान का मीनिंग होता है, अर्थ होता है जंगल का राजा, किंग ऑफ जंगल। क्लियर? तो ये हमें आदिल शाह द्वितीय के बारे में ध्यान में रखना है। तो जो रीजनल किंगडम का झारखंड पे जो भी असर रहा, तो हम लोग फारूकी किंगडम की बात कर सकते हैं। फारूकी किंगडम में आदिल फारूकी क्या किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट तो मलिक अहमद ने किया, लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है झारखंड के टर्म में, आदिल शाह द्वितीय, आदिल शाह सेकेंड जो थे, उन्होंने झारखंड पे अपने सैन्य दल को भेजा और मोस्ट ऑफ द रीजन को झारखंड के रीजन में कैप्चर कर लिया, अधिकार कर लिया, इसलिए उन्हें झारखंड का सुल्तान या झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है। क्लियर? इसके पहले हम लोग गजपति किंगडम देखे। अभी गजपति किंगडम में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो बस यही है कि कपिलेंद्र गजपति, जो गजपति किंगडम के संस्थापक रहे, उन्होंने संथाल परगना, हजारीबाग और छोटा नागपुर खास के अधिकतर भाग को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया और उस पे रूल कर रहे थे। क्लियर? तो कपिलेंद्र गजपति कैप्चर्ड संथाल परगना, हजारीबाग एंड मोस्ट ऑफ छोटा नागपुर खास रूल्ड बाय नागवंशी रूलर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कुछ दो रीजनल किंगडम जिसका झारखंड के हिस्ट्री पर असर रहा दिल्ली सल्तनत के समय। क्लियर? ये अगर देखें तो ये कंटेम्प्रेरी टू लोधी डायनेस्टी होगा, लोधी डायनेस्टी के समकालीन होगा लगभग, फारूकी डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1451 टू 1526। क्लियर? इस एंड सैयद तुगलक, ये सारे डायनेस्टी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डायनेस्टीज कंटेम्प्रेरी टू दिल्ली सल्तनत रहे हैं, ये रीजनल किंगडम थे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।